प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। ऐसे हालात हो चुके हैं और ऐसे हालात हो रहे हैं कि जिसके कारण आपकी मौत कभी भी हो सकती है, आप कभी भी मर सकते हो। वो कौन से हालात है कि जिसके कारण आपकी मौत कभी भी हो सकती है? आप जवान हो, आप हट्टे कट्टे हो, आप जिम जाते हो, आप अच्छा खाना खाते हो, आप अच्छे घर में रहते हो, आपको कोई बीमारी नहीं, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ आपकी मौत अचानक हो सकती है। क्यों? ऐसा क्या हो रहा है जिसके कारण आपकी मौत अचानक हो सकती है? उसके पीछे क्या राज है और वो अचानक मौत से बचने के लिए क्या करना चाहिए आपको, वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में लगातार अंत तक बने रहो। चलो बाइबल निकालो और हम पढ़ते गिनती का पुस्तक, उसका 14वां अध्याय और पढ़ो उसका 26 से लेकर 34 तक। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, यह बुरी मंडली मुझ पर बुड़बड़ाती रहती है, उसको मैं कब तक सहता रहूं? इसराइली जो मुझ पर बुड़बड़ाते रहते हैं उनका यह बुड़बड़ाना मैंने तो सुना है। सो उनसे कहे कि यहोवा की यह वाणी है कि मेरे जीवन की शपथ, जो बातें तुमने मेरे सुनते कही है, निसंदेह मैं उसी के अनुसार तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। तुम्हारी लोथे इसी जंगल में पड़ी रहेगी और तुम सब में से 20 वर्ष की या उससे अधिक अवस्था के जितने गिने गए थे और मुझ पर बुड़बुड़ाते थे, उस में से यपुन्ने के पुत्र कालेब और नून के पुत्र यहोशू को छोड़ कोई भी उस देश में न जाने पाएगा जिसके विषय में मैंने शपथ खाई थी कि तुमको उसमें बसाऊंगा। परंतु तुम्हारे बाल बच्चे जिनके विषय में तुमने कहा है कि ये लूट में चले जाएंगे, उनको मैं उस देश में पहुंचा दूंगा और वे उस देश को जान लेंगे जिसको तुमने तुच्छ जाना है। परंतु तुम लोगों की लोथे इसी जंगल में पड़ी रहेगी और जब तक तुम्हारी लोथे जंगल में न गल जाए तब तक, अर्थात 40 वर्ष तक, तुम्हारे बाल बच्चे जंगल में तुम्हारे व्यभिचार का फल भुगते हुए चरवाही करते रहेंगे। जितने दिन तुम उस देश का भेद लेते रहे, अर्थात 40 दिन, उनकी गिनती के अनुसार दिन पीछे उस वर्ष, अर्थात 40 वर्ष तक तुम अपने अधर्म का दंड उठाए रहोगे, तब तुम जान लोगे कि मेरा विरोध क्या है। देखो, ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर अपने वचन से हमसे बातचीत करते रहते, तो ध्यान से सभी लोग सुनना कि परमेश्वर हमसे क्या कहने के लिए जा रहे। जब प्रभु इस धरती पर आए थे तो उन्होंने एक बार एक बात बताई थी, बात थी एक धनवान इंसान को लेकर और साथ में लाजर, और धनवान और लाजर की बात प्रभु ने बताई। तो वो एक ऐसी घटना हो गई थी कि वो प्रभु ने कोई कहानी नहीं सुनाई थी, लेकिन परमेश्वर ने एक बात वो बताई थी जो हो चुकी थी, ऐसी घटना। अभी हम सब लोग जानते हैं कि वो घटना ऐसी थी कि एक इंसान था जो धनवान था, जिसका नाम बाइबल में नहीं लिखा गया, और हर रोज़ मौज मस्ती करता था, नए नए कपड़े पहनना, मौज शौक करना, पार्टियों में जाना, खाना पीना, शराब पीना, सब कुछ उसके जीवन में था। और जो लाजर था उसके पूरे शरीर के ऊपर फोड़े पड़े हुए थे, कपड़े उसके शरीर पर थे नहीं, कुत्ते आकर उसको चाटते थे, और उसके घर वाले हर रोज़ उसको उठाकर इस धनवान के घर के सामने उसको छोड़ दिया करते थे। तो मुझे नहीं मालूम कि वो जगह कैसी होगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ से एक बड़ा रोड जाता होगा, मेन रोड होगा, मेन रोड के ऊपर इस धनवान का घर होगा, और ये लोग उसके किनारे, रोड के किनारे और इसके घर के सामने उसको छोड़ कर चले जाते होंगे, और पूरे दिन ख़त्म होने तक वो लाजर वहीं पर रहते होंगे और लोग उनको कुछ भीख वगैरह देते होंगे, और फिर शाम को उसके घर वाले आते होंगे और फिर उठाकर उसको अपने घर ले जाते होंगे, जो पैसा मिला उसी से उनका गुजारा होता होगा। अभी ये धनवान हर रोज़ इस लाजर को देख रहे, साथ में उस धनवान को उस लाजर का नाम भी पता है कि इसका नाम लाजर है। फिर ये तो अपनी मौज मस्ती में था, उसने कभी इस लाजर की सहायता नहीं की, कभी उसे कुछ पैसा नहीं दिया, कर तो बहुत कुछ सकता था उसके लिए,
उसके लिए घर बना सकता था, उसकी दवाई करवा सकता था, उसको कपड़े दे सकता था, बहुत कुछ ये धनी इंसान उसके लिए कर सकता था, लेकिन कभी उसने उसके लिए कुछ नहीं किया। अभी चलते चलते एक दिन ऐसा आया कि लाजर मर गया। तो चलो लाजर को तो मरना ही था, लाजर को इसलिए मरना था कि उसके पूरे शरीर पर फोड़े पड़े हुए थे, दवाई के लिए पैसे नहीं थे, चंगाई उसको मिली नहीं थी, फिर कुत्ते आकर उसको चाटते थे, तो सोचो उसके हालात कैसे होंगे, कितना कमज़ोर होगा। हर रोज़ उसके घर वाले आकर उसको वहाँ पर छोड़ देते थे। इसका मतलब खुद चलकर आ नहीं सकता, खुद चलकर जा नहीं सकता। जब उसके घर वाले छोड़कर चले जाते होंगे और शाम के वक्त उसको उठाकर लेकर चले जाते होंगे, तो ये तो कमज़ोर है, तो हो सकता है इसकी मौत कभी भी हो जाए और वो मर जाए। तो उसका मरना तो वैसे ही तय था, तो लाजर तो मर गया, लेकिन बाइबल में लिखा है वो धनी इंसान भी मर गया। जब धनी इंसान मर गया तो उसको भी दफन कर दिया गया। उसके बाद जब उसकी आंखें खुली तो उसने अपने आप को नरक में पाया। नरक की आग थी और नरक की आग में वो झुलस रहा था, लेकिन वहाँ पर एक ऐसा शरीर दिया जाता है हम लोगों को जो वहाँ पर जाएगा, उन सभी लोगों को, कि वो शरीर आग का अनुभव करेगा लेकिन जलकर खाक नहीं हो जाएगा, मरेगा नहीं वो। फिर उसको काफ़ी पीड़ा होगी, दुख होगा, लेकिन वो वहाँ से आज़ाद नहीं हो सकता। फिर उसके शरीर के अंदर वो सारी बातें वैसी की वैसी है जैसी धरती के ऊपर थी, मतलब कि उस धनवान को याद है कि मैं धरती पर था, मैं धनवान था, और अपने सारे रिश्तेदारों के बारे में मालूम है, सब कुछ वो जानता है, उसका जीवन कैसा था वो भी उसको वहाँ पर नरक में बैठे हुए याद है। फिर जब अपनी आंखें उठाकर सामने देखता है तो लाजर को देखता है तो पहचान भी लेता है तो लाजर है, जबकि लाजर अभी कपड़े पहने हुए, उसके सर के ऊपर कोई फोड़ा नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये उसको पहचान लेता है कि ये तो लाजर है। और अब्राहम को बोलते हैं कि अब्राहम इस लाजर को मेरे पास भेजो, अपनी उंगली पानी में डुबो कर एक बूंद भी अगर मेरी जबान पर रखता है तो बोला अच्छा है, मुझे कुछ राहत मिलेगी। चलो अब्राहम ने उसको मना कर दिया, लेकिन वहाँ पर इसको प्यास भी लगी। प्यास लगी तो उसने सहारा लेना चाहा उस लाजर का, जो लाजर सामने है, और उस जब वो धरती पर था उसके घर के सामने ही पड़ा रहता था। वहाँ उसने कभी उसकी सहायता नहीं की, कुछ उसको उसके लिए उसने जो कुछ करना चाहिए और कर सकता था ऐसा कुछ किया नहीं था। अब उसको उसकी ज़रूरत पड़ी, लेकिन अब्राहम ने मना कर दिया कि वो तेरे पास नहीं आ सकता, तू भी हमारे पास नहीं आ सकता। फिर उसको वहाँ पर वो भी याद आता है कि मेरे 5 भाई है और वो भी मेरी तरह ही जीवन जीते, और जिस तरह से वो जीवन जीते उस तरह से तो वो लोग भी यहीं पर आने वाले, नरक में ही आने वाले, वो भी धनवान जानता है। तो बोले अब्राहम ये अगर मेरे पास नहीं आ सकता लाजर तो कोई बात नहीं, वापस धरती पर भेज दो, मेरे भाई लोगों के पास भेज दो। तो अब्राहम ने मना कर दिया, बोले वो इसलिए नहीं भेजना है कि तेरे भाई के पास मूसा की पुस्तकें हैं और दूसरे जो नबी लोग हैं उनकी भी पुस्तकें हैं, उनको पढ़े और बच जाए। तो वो बोलता है नहीं नहीं ऐसा नहीं प्रभु। तो बोले क्या? तो बोले यहाँ से मुर्दों में से कोई जिंदा होकर जाए तो बोले वो लोग उसकी मान लेंगे। तो यहाँ से एक बात पता चलती है कि उनके भाइयों के पास पुराना नियम मतलब बाइबल पढ़ा हुआ था, और साथ में उसके खुद के घर में भी बाइबल पढ़ा होगा। इसका मतलब या तो वो इसराइल का था या तो वो परमेश्वर को जानने वाला व्यक्ति था जिसके घर में पुराना नियम मतलब भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें उनके घर में थी। लेकिन हो सकता है कि एक धर्म के नाते पढ़ी हुई हो लेकिन कभी उसने माना नहीं, जैसे आज कई मसीह लोगों के घर में बाइबल है तो इसलिए पढ़ लेते हैं दिन में एक बार, कि हम मसीह लोग हमें एक बार पढ़ लेनी चाहिए, एक अध्याय एक चैप्टर पढ़कर सो जाते। हो सकता है इस तरह से उसने इस्तेमाल किया हो। दूसरी बात, उसके पास परमेश्वर के दास लोग भी आते थे और उन दासों के साथ बाइबल में लिखा नहीं, लेकिन इसने बहसबाजी बहुत की होगी कि आप नर्क देख कर आए, कि आप स्वर्ग देख कर आए, जब परमेश्वर के दास ने कुछ सिखाने का प्रयत्न किया होगा कि देखो जिस तरह से तेरा जीवन है तू तो नर्क में चला जाएगा, तू चलेगा, तू अच्छे काम कर कि स्वर्ग में पहुंच जाए, तो ये सामने पूछता होगा कि क्या आपने स्वर्ग देखा, क्या आपने नर्क देखा, और
परमेश्वर का दास का मुंह बंद हो जाता होगा कि मैं कहाँ देख कर आया, बोला फिर ऐसी बातों को क्या मानना है। लेकिन जब वो वहाँ पर गया तब उसको ये सारी बातें अनुभव कर रहा है कि मैं तो नर्क में हूँ और लाजर वहाँ सामने स्वर्ग में है। और वो अब्राहम से बोलता है कि मेरे भाइयों के पास इनको भेज, बोलते नहीं वहाँ पर लोग है, तो बोले नहीं मुर्दों में से कोई जिंदा होकर वहाँ पर जाए तो बोले मेरे भाई लोग विश्वास करेंगे, तौबा करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि मुर्दों में से कोई जाए उसकी बात क्यों माने, क्योंकि वो जाकर बता सकता है कि भाई साहब स्वर्ग भी है नरक भी है, मैं स्वर्ग में हूँ और तुम्हारा भाई कहाँ पर, वो तो नरक में है। तो इसका मतलब इसने धरती पर यही काम किया होगा, जब भी परमेश्वर के दास ने ऐसा कुछ सिखाया होगा तो बोला होगा कि आपने देखा भाई साहब स्वर्ग, आपने देखा नरक, उसका मुंह बंद कर दिया होगा। तो उसको मालूम है मेरे भाई भी ऐसे, क्योंकि सभी लोग साथ में पार्टियां करते होंगे तो ये सारी बातें भी बताता होगा। आज तो मेरे पास फलाना पास्टर आया था, उसने मुझे ये बातें की, मैंने तो उसको मुंह बंद कर दिया, मैंने तो उसको ऐसा बोल दिया। तो उसको मालूम है कि मेरे भाई वही बात करेंगे, तो मेरे भाई भी ऐसे ही, तो वो मरकर कहाँ आएंगे, वो तो यहीं पर आएंगे। लेकिन अब उसको इस सारी बातों का फिक्र है कि अब क्या होगा। लेकिन ये इंसान धनवान जो है वो मर गया और मरने के बाद वो नरक में चला गया। अब ये मौत चीज़ ऐसी है कि इसका कोई ठिकाना नहीं, हो सकता है कभी बच्चा पैदा हो ना तो मुर्दा ही पैदा हो सकता है कई बार ऐसा होता है कि माँ के पेट में ही बच्चा मर जाता है, ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है बच्चा बाहर आने के बाद 2 साल में मर जाए, 10 साल में मर जाए, और हो सकता है 100 साल में भी ना मरे, ऐसा भी हो सकता है। अभी मैं कहीं पर गया था, वहाँ पर एक बूढ़ा मुझे मिला, वो था 104 साल का, अभी भी जिंदा है, अभी भी खुद का काम खुद कर लेता है। अभी देखो ये मौत के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि मौत की कोई डेट फिक्स हो या तो आयु फिक्स हो कि नहीं 60 साल तक कुछ नहीं होगा, 70 साल तक कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं। मूसा ने बोला सही कि हमारा आयु 70 साल की और बल के कारण 80 साल की, नहीं 70 साल तक भी कौन पहुँचता है, 80 साल तक कौन पहुँचता है, ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता। हमारे पास ये एवरेज मतलब एक आयु बताई गई कि इंसान 70 से 80 साल तक जिंदा रह सकता है, बस उसके बाद वो ख़त्म है। लेकिन उसका कोई ठिकाना नहीं कि इंसान कितने साल का होकर मर जाए, कब मर जाए, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है रास्ते में एक्सीडेंट हो जाए और इंसान मर जाए, हो सकता है अचानक से किसी के ऊपर कोई बीमारी आ जाए और वो इंसान मर जाए, होने को कुछ भी हो सकता है। कभी भी इंसान को मौत जो है वो आ सकती है। तो मौत के पीछे सिर्फ बीमारी जिम्मेदार नहीं है कि इंसान बीमार होकर ही मर जाए, जिस तरह से लाजर बीमार थे और मर गए, ये ज़रूरी नहीं है कि इंसान बीमार होकर ही मर जाए। हो सकता है इंसान एक्सीडेंट में मर जाए, हो सकता है इंसान का कोई मर्डर कर दे, उसको ख़त्म कर दे, हो सकता है इंसान कहीं से गिर जाए, बड़े ऊंचाई से गिर जाए और वो मर जाए। मतलब मौत का कहीं पर भी कोई ठिकाना नहीं, कब आ जाए, किसके पास आ जाए और किस तरह से आ जाए, इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। अभी ये धनवान जो था वो जिस तरह से बाइबल में लिखा है और वो मर गया, तो मुझे नहीं लगता कि उसकी मरने की उम्र होगी, उसकी मरने की आयु होगी, उसे मुझे लगता नहीं है। जिस तरह से बाइबल में लिखा गया उस तरह से तो ऐसा लगता है कि अभी वो अपनी मौज मस्ती में ही था, वो बिंदास था और तभी मर गया। लुका 12 में एक और धनवान के बारे में लिखा हुआ है, तो उसने काफ़ी मेहनत की, उसके खेत में काफ़ी फसल आई, तो उसने सोचा मैं क्या करूँ, बोले हाँ मुझे पता चलता है मुझे क्या करना चाहिए, मुझे बड़े बड़े गोदाम बनाना चाहिए, बड़े बड़े गोदाम बना लिए, उसमें सब कुछ उसने भर दिया। फिर अपने आप से बोलने लगा हे मेरे प्राण खा पी और बोले आनंद कर, बहुत सालों के लिए बहुत कुछ तेरे लिए रखा हुआ है, बहुत सालों के लिए। अभी ये बात वो बोल ही रहा था और परमेश्वर कैसे आवाज है हे मूर्ख, उसको बोला हे मूर्ख, बोले आज रात तू मरने वाला है, तेरा प्राण तेरे पास से चला जाएगा, तो तूने जो सिद्ध किया है, तूने जो प्राप्त किया है उसका फ़ायदा क्या, बोले। तो उसको कहाँ मालूम था, वो तो बहुत सालों के लिए एक बात कर रहा है, इसका मतलब उसकी सेहत अच्छी है, उसकी तंदुरुस्ती अच्छी है, अभी मरने जैसा है नहीं। वो तो बोलता है बहुत सालों के लिए बहुत कुछ रखा है, इसका मतलब अभी भी उसके अंदर जो ताकत है वो ये कहना चाहती है कि अभी भी बहुत साल तक इसको कुछ नहीं होने वाला। लेकिन देखो उसी दिन मर गया वो था,
वो तो बाइबल में हमारे लिए लिखा गया कि परमेश्वर ने उसे ऐसा बोला, हे मूर्ख आज रात ही तेरा प्राण तेज से लिया जाता है। लेकिन लोगों को कहाँ पता चलता है, परमेश्वर कहाँ लोगों को आकर बोलने वाले कि भाई सो मरने वाला है, तेरी आयु खत्म हो गई, तेरा वक्त खत्म हो गया, ऐसा परमेश्वर किसी को बोलते नहीं है, ना शैतान किसी को बोलता है। तो मौत का कोई ठिकाना नहीं, कब आ जाए, किस तरह से आ जाए और कैसे आ जाए वो इंसान नहीं जान सकता। अभी जब इसराइल के लोग मिस्र देश से आज़ाद होकर बाहर निकले और मूसा की अगुवाई में वो लोग जा रहे थे, तो जिस देश में कनान देश में उनको जाना था वहाँ पास में आप पहुँचे, तो मूसा ने परमेश्वर के कहने के अनुसार 12 लोगों को भेजा, बोले जाओ जाकर तुम उस जगह का भेद लेकर आओ, जासूसी कर कराओ। 12 लोग गए, 40 दिन रुके, 40 दिन रुकने के बाद सब कुछ देखने के बाद वापस आए, लेकिन उनमें से यहोशू और कालेब ये दोनों को छोड़कर बाकी जो दस्ते वो सारे रोने लग गए, चिल्लाने लग गए, बोले परमेश्वर हमको मरने के लिए लेकर आए, वहाँ तो राक्षस लोग रहते, अनाकवंशी लोग रहते और हम तो उनके सामने टिड्डी के समान दिखाई देते थे, हमने अपनी निगाहों से देखा तो अभी हमने अपने आप को टिड्डी के जैसा देखा, वो लोग हमको देखते थे तो वो लोग भी हमको टिड्डी के समान देखते थे। अभी देखो दो लोग जब यहोशू के कहने से यरीहो शहर में गए थे तो दो लोग छिप नहीं पाए थे, वो राहाब उनको जानती थी और राहाब ने उनको अपने घर में छुपाया था, तो ऐसा नहीं था कि वो एक दिन के लिए गए और किसी को पता नहीं चला, ये किसी को दिखाई नहीं दिए, ऐसा नहीं हुआ था। लोगों ने उनको देखा, वहाँ के राजा को पता चला कि कोई दो लोग आए हुए, ये भी पता चला कि राहाब के घर में लोग गए थे, ये भी पता चल गया। अभी 12 लोग घूमेंगे, समझ लो अभी हम इंडिया में रहने वाले, अगर हमारे यहाँ अफ्रीका का कोई आ जाए, वो काले काले लोग होते, उनके बाल ऐसे होते, उनको देख कर ही हमें पता नहीं चल जाएगा ये बाहर से आए हुए लोग हैं। अगर हमारे वहाँ कोई भी बाहर से आएगा, कोई दूसरे देश से आएगा, हमको पता चल जाए, चाहे काला हो चाहे गोरा हो, लेकिन हमको पता चल ये हमारे भारत का नहीं दिख रहा है, इंडिया का नहीं दिख रहा है, तो हमें पता चल जाता है। तो जब ये इसराइल के लोग जो मिस्र देश से आज़ाद हुए थे वो लोग कनान देश में जाए, दूसरे देश में जाए, तो वहाँ के लोग कैसे दिखते होंगे और ये लोग कैसे दिखते होंगे, क्या उनको पता नहीं चल गया? ये लोग 12 लोग अपने आप को छिपा नहीं पाए थे, तो वहाँ के लोगों ने उनको देखा तो उनको पूरी हिस्ट्री मालूम थी कि ये लोग मिस्र देश से आए हुए, इनका परमेश्वर इनके साथ है, इन्होंने रास्ते में भी लड़ाई की, लेकिन किसी को डर नहीं था। डर क्यों नहीं था कि वो लोग जब इनको देखते थे इसराइल लोगों को, तो उनकी हाइट बॉडी ऐसी थी तो उनके सामने इसराइल लोग उनको छोटे दिखते थे, बोले इनको तो हम आसानी से मार देंगे, क्या डरना है इससे। ये लोग यही बात कर रहे हैं, बोले उन्होंने जब हमको देखा तो उनको ऐसा लगा कि हम टिड्डी के समान हैं, और बात सही भी, हमने भी अपने आप को देखा, हम टिड्डी के समान हैं, रोने लग गए, चिल्लाने लग गए, परमेश्वर को मरने के लिए लेकर, मरने के लिए लेकर आए। बोले नया अगुआ बनाओ, मूसा को छोड़ो, जो हमको वापस मिस्र देश में लेकर जाए, फिर उनके जाकर विनती करे कि हमको गुलाम बना लो वापस। अभी देखो जो आज़ाद हुआ है वो वापस गुलाम बनना चाहते और वहाँ जाना चाहते खुश से इस बात से, लेकिन परमेश्वर के साथ रहकर आगे बढ़ना नहीं चाहते। अभी इतने सारे चमत्कार देखने के बाद जो ये लोग ऐसा कर रहे, तो फिर परमेश्वर को क्रोध आया, तो जो वचन हमने पढ़ा उसमें परमेश्वर ने बोल दिया कि यहोशू और कालेब को छोड़कर मैं बाकी लोगों को लेकर जाऊँगा, यहोशू कालेब को छोड़ बाकी लोगों का मैं नाश कर दूँगा, और उनके बच्चे बोलते कि जो लूट में चले जाएंगे, बोलो उनको मैं बचा लूँगा, उनको वचन के देश में लेकर जाऊँगा, लेकिन ये जिनकी गिनती हुई थी उनको तो मैं नहीं लेकर जाऊँगा। और बोले मैं इनको 40 साल में इस तरह से ख़त्म कर दूँगा कि उनकी लाशें गल जाए। और फिर यहाँ वहाँ पर लिखा है व्यवस्था विवरणों में उसका दूसरा अध्याय उसका 7 वचन पढ़ो, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे हाथों के सब कामों के विषय में तुम्हें आशीष देता आया है, इस भारी जंगल में तुम्हारा चलना फिरना वह जानता है, इन 40 वर्षों में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग संग रहा है और तुमको कुछ गति नहीं हुई। यहाँ पर मूसा और सभी लोगों को याद दिला रहे कि देखो ये 40 साल में परमेश्वर आप लोगों के साथ रहे और आप लोगों को किसी बात की कमी घटी नहीं होने दी। फिर आगे पढ़ते उसका 8वां अध्याय और उसका 4वचन, इन 40 वर्षों में तेरे वस्त्र पुराने न हुए और तेरे तन से भी नहीं गिरे और न तेरे पांव फूले। यहाँ पर मूसा उनको याद दिलाते कि ना आपको वस्त्र की कभी कमी घटी हुई, लेकिन साथ में पैर के बारे में लिखा है कि पैर में सूजन तक नहीं आई। यही बात क्यों लिखी कि पैर में सूजन नहीं आई, क्योंकि हर रोज़ इनको सिर्फ चलना 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 ही था,
और 40 साल तक परमेश्वर को चलाते रहे, कभी पहाड़ के ऊपर, कभी ऊपर से नीचे, कभी चारों तरफ, बस ऐसे लोग घूमते रहे, चलते रहे। तो यहाँ पर मूसा याद दिला रहे कि तुम्हारे पाँव में सूजन तक नहीं आएगी। कभी कभी इनके पापों के कारण वहाँ मरी ज़रूर आती थी, लेकिन मरी कैसे आती थी, कुछ घंटों के लिए, कुछ मिनट के लिए। बस मूसा को पता चला, मूसा भागे परमेश्वर के पास और मरी ख़त्म। 14,000 मर गए, 70,000 मर गए, जो भी मरते थे, लेकिन कुछ पल की बात थी, कुछ मिनट की बात थी, उम्र ख़त्म हो जाती थी। अभी ऐसा नहीं था कि इसराइल लोग बीमार पड़े, कभी पैर की सूजन तक नहीं आई। इसका मतलब परमेश्वर को पूरी रीति से संभाल कर रखा। लेकिन परमेश्वर को क्या बोला कि मैं तुम्हें 40 साल में ख़त्म कर दूँगा, मैं तुम्हें मार दूँगा। अभी सही में लोग मरते भी गए। अभी कभी गिनती लगाना, मैंने इसकी औसत निकाली कि हर रोज़ एवरेज 44 लोग मर जाते थे। ऐसे मर गए, कभी 14,000 मर गए, कभी और भी लोग मर गए, कभी कम भी मरे, लेकिन 38 साल में सारे ख़त्म हो गए थे। 38 साल में ख़त्म हो गए तो समझ लो कि एवरेज अगर देखे जाए तो 44 लोग मरते थे। अभी सोचो अगर 44 लोग हर रोज़ मरते तो ये लोग थे कुछ ज़्यादा, लाखों की गिनती में थे। लेकिन जब साथ में जाते हो गए और रास्ते में कोई चिल्लाता हो मेरा बाप मर गया, कोई चिल्लाता हुआ मेरा बड़ा भाई मर गया, अभी उन सभी को दफन करना है, प्रभु से नहीं बोला तुम्हारी लाश ज़मीन में गल जाएगी, तो गलने में 2 साल लगते होंगे, इसलिए 38 साल में सारे ख़त्म हो गए। तो 38 साल में जिनकी गिनती हुई थी वो सारे ख़त्म हो गए और उनकी लाशें भी गल गई। लेकिन बड़ी बात ये है यहाँ पर कि हर रोज़ अगर 44 लोग मरते हैं तो फिर उनको सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि हम लोग हर रोज़ मर रहे हैं, परमेश्वर ने जैसा बोला था वैसा ही हो रहा है, तो उनको एक डर लगना चाहिए था। हमारे गुजरात में एक बार ऐसी घटना हुई थी, थोड़ी पुरानी है, पुरानी मतलब 20-25 साल पुरानी घटना है। तो हम मसीह के लोग कुछ थे और पहले एक गाड़ी आती थी मेटाडोर, तो उसमें वो लोग बैठकर कहीं पर गए थे, तो वहाँ कुछ लोगों ने जो मसीह के विरोध हो गए ऐसे लोगों ने उनको मारा पीटा और उनकी गाड़ी को भी नुकसान पहुँचा दिया, कुएं में डाल दिया ऐसे। उसके बाद क्या हुआ कि वो जितने भी लोग थे उनमें से हर रोज़ एक मरने लग गया। पहले दिन एक मर गया तो वो होगा मर गया होगा, ठीक है, दूसरे दिन दूसरा मर गया, फिर भी उन्होंने सोचा होगा कि होगा, तीसरा भी मर गया। फिर उनको डर लगने लग गया कि मरता वो है कि जिन लोगों ने मसीह लोगों को मारा पीटा था, उनकी गाड़ी को कुएं में डाल दिया था। तो 3 दिन हुए, तो 3 दिन में तो उनको पता चल गया कि ये कुछ तो है, कहीं हम सारे ना मर जाए। वो लोग मसीह लोगों के पास गए, उनसे क्षमा मांगी, वो गाड़ी अंदर से बाहर निकाली, रिपेयर कर उनको बोले अपने परमेश्वर से प्रार्थना करो हम मरे ना। उसके बाद उनका मरना बंद हो गया। लेकिन 3 दिन में अगर उनको पता चल गया कि हम लोग मर रहे, यहाँ पर इसराइल के लोग हर रोज़ 44-45 लोग मर रहे, उनको कुछ असर नहीं हो रहा है, उनको ये सोचना चाहिए कि हम हर रोज़ क्यों मर रहे। और मैं बोलता हूँ कि लाजर मर गया, वो बात ठीक थी कि लाजर दिखाई देता था ऐसा कमज़ोर था, बीमार था, फोड़े पड़े हुए थे, उसके हालात कुछ ऐसे थे, वो मर गया ठीक है। अगर हमको पता चलता है कि फलाना मर गया, ढिकना मर गया, लेकिन हमको पता चलता वो 10 दिन से बीमार था, 20 दिन से बीमार था, उसकी आयु हो गई थी, हमको कुछ नहीं लगता। लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में पता चले जिसकी आयु भी नहीं हुई थी, जो बीमार भी नहीं था, ये मर गया, तो हम पूछते हैं ऐसा हुआ, अंदर से एक आवाज़ आती है। तो यहाँ पर इसराइल के लोग, बाइबल में लिखा है कि उनके पैर तक सूजन नहीं आई उसमें, तो इसका मतलब ये लोग कभी बीमार नहीं हुए, बीमार नहीं थे फिर भी मर जाते थे। तो मर जाते थे तो परमेश्वर ने बोला था, तो इनको मालूम भी था कि परमेश्वर ने ऐसा बोला है। 603,548 लोग वो मर गए रास्ते में, तो ये कम लोग कहाँ हैं, कितनी भारी मात्रा में लोग मर गए। तो इनको हर रोज़ ऐसा होना चाहिए ना कि जिनकी गिनती हुई उनमें से लोग मरते और कम से कम 44-45 लोग मरते, तो इनको डर लगना चाहिए मेरी बारी कब, मैं कभी भी आ सकती है। बीमार होकर नहीं मरते थे तो इसका मतलब कभी भी मौत आ सकती है।
तो इनको क्या करना चाहिए था, परमेश्वर के पास जाना चाहिए था, परमेश्वर क्षमा करो, जितने मर गए उतने मर गए, लेकिन बाकी लोगों को परमेश्वर के पास जाना चाहिए था, परमेश्वर हमारी गलती हो गई, कम से कम हमको मरने मत दो, चाहे उस विश्राम के देश में मत ले जाना कोई बात नहीं, लेकिन हमारे पापों को तो क्षमा करो, हमें इस तरह से मत मरने दो, ऐसा कुछ तो वो लोग कर सकते थे, लेकिन इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया। मालूम है कुछ नहीं किया इन लोगों ने, क्यों नहीं किया? इसका कारण यही था कि कोई बीमार नहीं पड़ता था, तो इनको कैसा लगता था, क्योंकि परमेश्वर ने जो गिनती की थी वो 20 साल से जो बड़े थे उन लोगों की गिनती की थी। तो समझो जब मिस्र देश से लोग आज़ाद हुए होंगे तो कोई 20 साल का होगा, तो 40 साल के बाद उसकी आयु कितनी होगी, 60 साल। और ये तो पहले ही बोल दिया परमेश्वर ने कि 40 साल में लोग ख़त्म हो जाएंगे, तो 20 साल का जो लड़का होगा उसको तो मैं कौन सा मरने वाला हूँ, मैं तो अभी हट्टा कट्टा हूँ, मुझे तो कोई बीमारी नहीं। कोई 30 साल का होगा, कोई 40 साल का होगा, जो आखिरी इंसान मर गया होगा और वो 20 साल का होगा जब वहाँ से निकला, तो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा आयु कितनी होगी, 38 और 20, 58। तो इसका मतलब कि इन लोगों को ऐसा लगता था हम कौन से मरने वाले, और जो बूढ़े होंगे तो उनको भी ऐसा लगता था, क्योंकि बीमार तो होते नहीं थे, चलते थे, घूमते थे, फिरते थे, खाते थे, सब कुछ था। तो जब अपनी तंदुरुस्ती देखते थे तो इनको कोई डर नहीं लगता था कि हम मर सकते, लेकिन ऐसा 38 साल तक हो गया तो तभी तो सोचना चाहिए कि नहीं हम लोग मर रहे, जितने भी लोग मर रहे वो बीमार होकर नहीं मर रहे, सोचना चाहिए था। इन लोगों ने सोचा नहीं। आज भी देखना, जब भी कोई इंसान मर जाता है और अगर आप उसके संस्कार में चले जाओ, अंतिम संस्कार में, चाहे दफन हो चाहे उसको जलाना हो, वहाँ देखना सारे लोग सीरियस होंगे, सभी का मुँह ऐसा उदास होगा, और मानो वहाँ पर एक डर सा लगा रहता है, यार आज ये है कल मेरी बारी हो सकती है। ज़्यादातर वो जवान हो बूढ़ा हो जो भी हो, लेकिन अगर वो कब्रिस्तान में गया, शमशान में गया, उसको ये बात का डर उस वक्त ज़रूर लगता है, फिर वहाँ से बाहर आया चलते चलते फिर सारी बातें भूल गया, फिर वापस चलो जैसा जीना है वैसे जियो। इन लोगों को तो वो भी डर नहीं लगा। क्यों डर नहीं लगा? कि अभी हम हट्टे कट्टे से, हमें कोई बीमारी नहीं है, पैर में सूजन तक नहीं, हम कौन से मरने वाले, और लेकिन जो मर गए उनको भी तो कुछ नहीं था, तो फिर तो डर लगना चाहिए। फिर परमेश्वर ने बोल भी दिया इनको कि तुम लोग मरोगे, तो भी इनको डर नहीं। देखो तो डर नहीं लगने का कारण यही था कि सभी लोग खाते पीते थे, हट्टे कट्टे से थे, बीमार नहीं थे, तो इनको डर नहीं लगा। आज हम में से कोई ऐसा नहीं है कि अचानक से मौत आ जाए, सभी को ऐसा लगा हमारे पास जीवन है, लेकिन सही में दो पल आंख बंद कर अगर सोचो, क्या सही में कोई ठिकाना है? सही में कल किसके साथ क्या हो जाए कोई ठिकाना है? कहीं किसी का कोई ठिकाना नहीं। वो धनवान इंसान का यही हाल था कि लाजर तो मर सकता है, वो तो पार्टियों में बिंदास था, उसको कोई बीमारी नहीं थी, अच्छे अच्छे कपड़े पहनता था, पैसा था उसके पास, उसको कोई डर नहीं था कि मैं मर सकता हूँ, और सही में वो अचानक से मर गया। और वहाँ पर जब नर्क में उसकी आंखें खुली तो उसको पता चलता है, एक हॉलीवुड फिल्म की हीरोइन थी और अपने ज़माने में बहुत फेमस थी, और उस वक्त परमेश्वर के दास बिली ग्रहम, जो वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर उनको माना जाता है कि सबसे बड़े अगर परमेश्वर के कोई दास हो गए तो बिली ग्रहम है, उनको अमेरिका की जनता ने 3 बार बोला कि हम आपको प्रेसिडेंट बना देते हैं, यहाँ पर जो भी वहाँ पर चुनाव चल रहा है, चुनाव आने वाला है, वो ट्रंप और दूसरी एक लड़की है कमाला करकर, और वो पूरे जोरों में पैसा खर्च कर रहे, आपके यहाँ भी इलेक्शन गया, इलेक्शन का माहौल कैसा होता है, लोगों को जीतना है, लोगों को एक पद चाहिए, इसको सामने से 3 बार बोला गया कि आप यहाँ के प्रेसिडेंट बन जाओ, कोई चुनाव नहीं करेंगे, अगर आप हाँ बोलते हो सभी लोग रेडी, पूरी जनता रेडी है वहाँ पर, तो भी इन्होंने 3 बार मना कर दिया। ऐसे बड़े परमेश्वर के दास जिनका बहुत नाम था, जिनको भारत में आने से बैन कर दिया था, अभी उनको परमेश्वर ने एक बार बोला कि ये जो हीरोइन है एक्ट्रेस है उसके पास जाओ और जाकर बोलो कि तौबा करे, वो मुझे जीवन समर्पित करे। तो भाई साहब गए उस एक्ट्रेस के पास और वो अपने मेकअप रूम में थी, उसको बुलाया और इनका तो नाम ही ऐसा था, मिलना हो गया उसके साथ, और उसको प्रभु उसके बारे में बताया और बोले तू तौबा कर
और प्रभु से कुछ जीवन समर्पित कर दे। और मालूम है उस स्त्री ने सुनकर ऐसा बोला कि मुझे तुम्हारे यीशु की ज़रूरत नहीं है, ऐसे शब्द उसने इस्तेमाल किए और उसी हफ्ते में वो मर गई। अब जब मर गई तो मालूम नहीं उसने कुछ पिया था, खाया था, क्या था मालूम नहीं, लेकिन इतनी उसने उल्टियाँ की थी और चार और उल्टियाँ और बीच में पड़ी थी, कैसे हालात होंगे उसको क्या मालूम था कि मैं हफ्ते में मर जाऊँगी, लेकिन सही में वो मर गई। 1912 में जो टाइटैनिक जहाज़ था, किसको मालूम था कि ये पहली बार में डूब जाएगा। उस वक्त 1500 से ज़्यादा लोग वहाँ पर उसमें मर गए, उनको कहाँ मालूम था, वो तो सारे घूमने के लिए गए थे, सभी को ऐसा था कि हम नहीं मरने वाले। तो बात यही है कि जब तक आपके शरीर में जान है, आपके शरीर में बल है, शक्ति है, सामर्थ्य है, आपकी आयु नहीं हुई, तब तक इंसान को ऐसा लगता है मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन बाइबल उठाकर देख लो, इतिहास पढ़ लो, चाहे अपने आसपास में निगाहें दौड़ाओ, तो ऐसी बात है ही नहीं। मौत किसी का रिश्तेदार है ही नहीं, वो कभी भी किसी को किसी भी हाल में आ सकती है, वो चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे हट्टा कट्टा हो, चाहे बीमार हो, चाहे उसको कोई बीमारी ना हो, कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। तो ये हमें याद रखना है। उस धनवान इंसान ने ये बात याद नहीं रखी कि मुझे कभी भी मौत आ सकती है। जब वो नरक में पड़ा हुआ है तब उसकी आंखें खुल गई और अब उसको ऐसा लगता है कि मैं किस जगह पर आ गया। फिर उसने ये भी देखा, अब मेरे पास छुटकारा नहीं, अब आराम से बात हो गई, पानी नहीं मिलेगा। जब उसको प्यास लगी तो इसका मतलब भूख भी लगेगी, तो ना उसको पानी मिला तो उसको खाना भी नहीं मिलने वाला, ना लाचर इधर आ सकता है, ना वो ये उधर जा सकता है, तो इसका मतलब छुटकारा है ही नहीं। अभी कितने साल तक, उसकी कोई गिनती नहीं है, बस बात ही ख़त्म है। तो देखो अभी उसको पता चलता है कि मेरे भाई लोग हैं, मैं चाहे यहाँ पर आ गया अब मेरे लिए छुटकारा नहीं, लेकिन मेरे भाई लोग बच्चे हैं तो कितनी अच्छी बात है। अब वो बोल रहा है कि कोई बात नहीं, मेरे पास नहीं तो मेरे भाई लोगों के पास तो भेजो इनको, ताकि मेरे भाई लोग तो बचाए जाए। लेकिन उसकी विनती वो भी सुनी नहीं गई, मानी नहीं गई, लाजर को भेजा नहीं गया। तो अभी उसके भाई लोग अगर तौबा नहीं करेंगे और नहीं किया होगा तो वो लोग भी तो नरक में गए होंगे, अब उनके पास कोई छुटकारा नहीं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि प्रभु ने अपने लोगों को बोल दिया, इज़राइल के लोगों को बोल दिया कि तुम लोग मरोगे। मालूम है क्यों मरने को बोला परमेश्वर ने, क्यों प्रभु ने ऐसा बोला कि 40 साल में तुम लोग ख़त्म हो जाओगे, यहाँ तक कि तुम्हारी लाशें गल जाएगी। एक वचन पढ़ते हैं, यूहन्ना उसका 8वां अध्याय और 21 पढ़ो। उसने फिर उनसे कहा, मैं जाता हूँ और तुम मुझे ढूंढोगे और अपने पाप में मरोगे, जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते। प्रभु ने ऐसा बोला कि तुम पाप में मरोगे, इसका मतलब मरना क्यों, पाप करते हो ना इसलिए। तो पाप क्या है, व्यवस्था को नहीं मानना, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानना, वो ही पाप है। तो अगर इंसान के जीवन में पाप है तो इंसान कभी भी मर सकता है। फिर आगे पढ़ो उसका 24 वचन। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास न करोगे कि मैं वही हूँ तो अपने पापों में मरोगे। देखो यहाँ पर 2 बार लिख दिया कि तुम अपने पापों में मरोगे, और 21 और 24 वचन को मिला तो 3 बार लिख दिया कि तुम अपने पाप में मरोगे। इसका मतलब पाप करोगे तो तुम्हारी मौत कभी भी हो सकती है। उसमें आप चंगे हो, अच्छे दिखते हो, हट्टे कट्टे हो, बीमार नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन अगर जीवन पाप में है, और पाप का मतलब समझ लो कि परमेश्वर किसको कहते हैं ये पाप में जीवन है, कि जब तक इंसान को ये नहीं मालूम कि परमेश्वर कौन, जब तक इंसान ने पापों से तौबा नहीं किया है, उसने बपतिस्मा नहीं लिया, पवित्र आत्मा नहीं पाया, तब तक तो परमेश्वर उसको ऐसा बोलते तू मेरे पास आ, मेरे साथ बैठ, आज हम विवाद करते। बोले तू ऐसा समझता है मैं तेरे पाप क्षमा नहीं कर सकता, बोले मैं तेरे पाप क्षमा करूँगा, ऐसा 1 के 18 में सर का, बोले तेरे पाप कितने भी लाल हो फिर भी मैं उसको बर्फ़ के समान सफ़ेद कर दूँगा। तो परमेश्वर उसको पाप ही नहीं बोलते, परमेश्वर पाप ही किसको बोलते। एक वचन पढ़ते इब्रानी उसका 10वां अध्याय और 26-27 वचन। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं, हाँ दंड का एक भयानक बाढ़ जोना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देता। यहाँ पर लिखा है
कि एक बार सच्चाई जान ली, तो सच्चाई जानने के बाद फिर जानबूझकर पाप करना, इसका मतलब इंसान ने सच्चाई जान ली कि परमेश्वर कौन है, क्या चाहते हैं हमसे। उसने परमेश्वर को जीवन समर्पित कर दिया, बपतिस्मा ले लिया, पवित्र आत्मा पा लिया, फिर उसके बाद जानबूझकर पाप करना। तो परमेश्वर बोलते हैं कि ऐसे लोगों के लिए अब कोई बलि नहीं। ऐसे लोग क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, ऐसे लोग ख़त्म हो जाएंगे। फिर पत्रस में ऐसा लिखा है, दूसरा पत्रस उसका दूसरा अध्याय और 20 से 22 तक पढ़ो। और जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंसकर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाएगी, क्योंकि धर्म के मार्ग में न जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी। उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छांट की और धोई हुई सुअर ने कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। अभी देखो यहाँ पर जो लिखा है उसके अनुसार ये लोग पाप में फंसे थे, फिर उसमें से आज़ाद हो गए और अपने आप को शुद्ध किया, पवित्र किया, उसके बाद फिर वापस उसमें चले गए। तब परमेश्वर ने ऐसे लोगों को बोला कि ये तो कुत्ते के समान है, सुअर के समान है। इसका मतलब जब जक्की से परमेश्वर मिलते तो प्रभु से क्या बोलते, ये भी तो अब्राहम के संतान है, चलो इनके पास चलते, उसको बचा लिया। उसको नहीं बोला ये पापी है, वो हर पापी के पास जाते थे। एक स्त्री जो व्यभिचार में पकड़ी हुई मिली, प्रभु से उसको बोला मैं तुझे दोषी नहीं ठहरा था, तेरे ऊपर कोई दोष नहीं लगा था, लेकिन अब से गलती मत करना। तो प्रभु यीशु ऐसे लोगों को पापी नहीं बोलते जो जन्म से लेकर पाप करते आए करते हैं, लेकिन अभी तक परमेश्वर को सही रीति से नहीं जाना, परमेश्वर को जीवन समर्पित नहीं करते हैं, उनको प्रभु पापी नहीं समझते। उनके लिए मौका है, वो जब भी परमेश्वर में आएंगे तो परमेश्वर उनके सारे पापों को क्षमा कर देंगे, वो नहीं मरने वाले तुरंत। लेकिन ऐसे लोग जिन्होंने परमेश्वर को जान लिया, परमेश्वर के वचन को जान लिया, सच्चाई जान ली, उसके बाद जो जानबूझकर ऐसे काम करते हैं, परमेश्वर उसको क्या बोलते हैं, पापी। और ऐसे लोगों की मौत का कोई ठिकाना नहीं, ये कभी भी मर सकते, ये लोग कभी भी ख़त्म हो सकते। तो इसलिए परमेश्वर ने अपने लोगों को बोला कि यहोशू और कालेब ये दोनों नहीं मरने वाले। इसका मतलब क्यों नहीं मरने वाले, तो बोले ये लोग पाप नहीं कर रहे, तो मेरी इच्छा के अनुसार चलते, मेरी आज्ञा के अनुसार करते, ये लोग क्यों मरे, तो उन लोगों को नहीं मरना था। लेकिन किसको मरना था, तो बोले जिन लोगों ने जानबूझकर पाप किया, जिन्होंने मिस्र देश में इतने चमत्कार देखे, जो समुंदर से उस पार चले गए और परमेश्वर की उपस्थिति उन्होंने अपने आप में देखी, उस बादल के खंभे में, आग के खंभे में परमेश्वर को देखा, और फिर भी वो लोग जानबूझकर अगर पाप करते, तो परमेश्वर ने बोला अब तुम लोग नहीं बचोगे। तो इस बात को ध्यान में रखना कि अगर हमने परमेश्वर को जान लिया है, और सभी हम यहाँ पर जितने भी सभी ने परमेश्वर को जाना हुआ, हमको परमेश्वर के वचन भी मालूम है, और उसके बाद अगर जानबूझकर कुछ करते हैं, फिर मौत का कोई ठिकाना नहीं, फिर मौत कभी भी आ सकती है, चाहे कोई बीमारी नहीं, चाहे हट्टे कट्टे कुछ भी है, लेकिन उनके साथ कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर यहोशू और कालेब की तरह हम बने रहेंगे, तो परमेश्वर सामने से बोले कुछ नहीं होगा तुझे, मैं तुझे उस वचन के देश में, विश्राम के देश में, स्वर्ग में, कनान में मैं तुझे लेकर जाऊँगा, जो आशीषित देश है वहाँ पर मैं तुझे पहुँचाऊँगा। लेकिन अगर हम जानबूझकर कुछ करेंगे और हम ऐसा समझेंगे अभी मुझे कुछ नहीं हो सकता, अभी मैं कौन सा मरने वाला हूँ, अभी थोड़ी ऐश कर लेने दो, अभी ये कर ले दो, वो कर लो, फिर मैं वापस परमेश्वर के साथ जुड़ जाऊँगा, ऐसा नहीं होने वाला। परमेश्वर स्पष्ट बोलते हैं कि परमेश्वर को जानने के बाद जानबूझकर पाप करना, उसकी मौत का कोई ठिकाना नहीं। तो हम ऐसे मोड़ पर खड़े हैं कि इस संसार का भी अंत होने वाला है, प्रभु से भी बहुत जल्द आने वाले, साथ में हम सभी लोगों ने सच्चाई जान ली है। तो सच्चाई जान ली है तो अभी हमें सच्चाई में जीवन जीना और बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर इसमें जीवन नहीं जीते तो ऐसा हो सकता है कि इंसान की मौत कभी भी हो सकती है। इसलिए अपने आप को परमेश्वर में बनाए रखो, जानबूझकर ऐसी गलती मत करो, लेकिन अच्छे से परमेश्वर के साथ रहो, परमेश्वर की आज्ञाकारी करते रहो, ताकि हम बचाए जाए और उस धनवान की तरह हमारे हाल ना हो, और साथ में हमारे रिश्तेदार और हमारे पहचान वाले, हमारे मित्र लोग, हमारे आसपास के लोग, उन सभी के लिए ऐसी प्रार्थना करो कि उस धनी इंसान को उस नरक में जाकर ऐसा लगा कि मुझे मेरे भाइयों को बचा लेना था। तो ऐसी हालत हमारे ना होने पाए, हमें किसी के बारे में ऐसा ना लगे कि हमने किसी को बचाया नहीं और हम खुद भी नहीं बचे, तो हम अभी
जब जिंदा है तब तक हम किसी को बचा सकते, तो वक्त कम है। और अगर हम परमेश्वर की आज्ञाकारी करेंगे तो मरने वाले नहीं हैं, लेकिन जानबूझकर पाप करते तो समझो कि कितने भी तगड़े होंगे तो भी कोई ठिकाना नहीं, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। इसलिए परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जीवन जियो और अच्छी तरह से जीवन जियो, और जितने भी लोग हैं रिश्तेदार हो बाहर के हो, लेकिन सभी को बचाने का प्रयत्न करो। इतना ही नहीं, अच्छी तरह से बचाने का प्रयत्न करो ताकि लोग बचाए जाए। हालेलुया, हालेलुया। और हम सभी अपनी आँखों को बंद करें। मेरे प्रियो, ये वक्त है कि हम अपने हृदय की ओर निगाह लगाए, हमारे आत्मा को देखें। ये वचन वो हमारे आत्मा का आईना है, उसके अंदर हम अपनी आत्मा को देखें। मैं कैसा हूँ, किस हालत में हूँ, मेरा जीवन कैसा है, वो सब कुछ हम देखें। अपने आप को जांचें, हम अपने आप को परखें। और जिस तरह से परमेश्वर ने इज़राइल लोगों को बोल दिया कि अब तुम मरोगे, वो इसलिए बोला कि जानबूझकर उन लोगों ने पाप किया। तो हमारे परमेश्वर कभी नहीं बदलते, वो आज भी वैसे के वैसे ही है। अगर आज हमने सच्चाई जान ली है और सच्चाई जानने के बाद जानबूझकर अगर पाप कर गए, गलती करेंगे, तो समझ लो हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, कभी भी मौत आ सकती है। लेकिन परमेश्वर ने यहोशू और कालेब, जो संपूर्ण रीति से परमेश्वर के पीछे चलते थे, उनके लिए गवाही दी कि ये लोग पक्का जाएंगे उस पर। तो हम यहोशू और कालेब की तरह बने और हम हिम्मत से लोगों को कह सके कि हम स्वर्ग में जा सकते, हम जाने ही वाले। लेकिन ये मत समझो कि हम तगड़े हैं, जवान है, हमें कुछ नहीं हो सकता, हम नहीं मर सकते। जानबूझकर गलती करना मतलब मौत को बुलाना, वो खुद आ जाएगी सामने क्योंकि आप उसको बुला रहे हो। लेकिन ऐसा ना करें। इज़राइल लोगों को ये लगा हम कहाँ बीमार है, हम तो जवान है, हट्टे कट्टे कौन सा मरने वाले। लेकिन मरते गए। उस धनी इंसान को भी ऐसा लगता था मैं कौन सा मरने वाला हूँ, लेकिन आखिर में मर ही गया। वक्त से पहले नहीं मरना है, हमें स्वर्ग में जाना है। तो अपने आप को जांचो, परखो। सभी लोगों ने बाइबल जाना हुआ है, परमेश्वर के वचन को जाना हुआ है, तो मैं बोलता हूँ अपने आप को जांचो कि कहीं जानबूझकर कुछ गलती हो रही है, उसे आज ही ख़त्म कर दो, अभी इसी वक्त ख़त्म कर दो, ताकि मौत आपसे दूर रहे और आप स्वर्ग राज्य के वारिस बन सको। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु की कृपा हम सभी पर होने पाए।